हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सम मोर फन में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत पा सकें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम आपको एशिया के दो देश इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बताएंगे। मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को छोटा दिखाना नहीं है। हम में से कोई नहीं चाहता कि दो देशों के बीच में वॉर हो, क्योंकि जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन नुकसान दोनों देशों का होता है। तो आइए सिर्फ अपनी जानकारी के लिए जानते हैं इन दोनों देशों के बीच की कॉम्पिटिशन। इंडिया की नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली है, वहीं पाकिस्तान की नेशनल कैपिटल इस्लामाबाद है। इंडिया की पॉपुलेशन जहां 136 करोड़ है, जो कि इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ है और वो इस वर्ल्ड में छठे नंबर पर है। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर है, जो कि लैंड और सी को मिलाकर है। नासा के सैटेलाइट के अकॉर्डिंग यह अकेला एक ऐसा बॉर्डर है जो कि स्पेस से भी देखा जाता है, क्योंकि इस बॉर्डर पे करीब 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स इससे लगाए गए हैं क्योंकि छोटी से छोटी मूवमेंट को भी कैप्चर किया जा सके। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। इंडियन रेलवे की ट्रैक 1,15,000 किलोमीटर लंबी है, जहां पाकिस्तान की नेटवर्क बस 11,881 किलोमीटर है। इंडियन रोड नेटवर्क वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जो कि यूएसए के बाद है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 30 लाख माइल है। पाकिस्तान की रोड नेटवर्क 1,88,000 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कोस्ट लाइन्स की। इंडिया के पास 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और इसीलिए सी पोर्ट्स इंडिया के मेन ट्रेड सेंटर्स हैं। वहीं पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1,046 किलोमीटर है। अब बात करते हैं स्पेस मिशन की। पाकिस्तान का स्पेस रिसर्च इंडिया से 8 साल ज़्यादा पुराना है, लेकिन फिर भी आज इसरो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है। इसरो आज मार्स और मून पर पहुंच चुका है, और फ्यूचर में सन, वेनस और जुपिटर पे भी जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं दोनों देशों के एजुकेशन की। इंडिया की लिटरेसी रेट जहां अप्रॉक्स 74% है, वहीं पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 58% है। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है, वहीं पाकिस्तान थर्ड है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में जहां 3 इंडियन कंपनी है, वहीं पाकिस्तान की आईटी कंपनीज टॉप 100 में भी नहीं आती हैं। तो अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैन पावर की। जिस कंट्री का पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा, उसकी मिलिट्री भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। पाकिस्तान के मिलिट्री में कुछ 8 लाख सोल्जर्स हैं, वहीं इंडिया के मिलिट्री में 28 लाख सैनिक के साथ साथ 20 लाख पैरा मिलिट्री के फोर्स भी मौजूद हैं, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री भी पीछे नहीं है, ये दुनिया के छठी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों के मिलिट्री बजट की। जैसा कि मैंने कहा, जो देश जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी पावर, उसके पैसे भी उतने ही ज़्यादा होंगे, और उस देश की मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे नए हथियार को खरीदने के लिए। इंडिया की GDP 9.4 trillion US डॉलर से, जिसमें से 58 billion US डॉलर मिलिट्री बजट पर खर्च किया जाता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इस बजट के कारण इंडियन आर्मी टॉप 5 रिचेस्ट आर्मी में से एक है। इस कंपैरिजन में पाकिस्तान की डिफेंस बजट बस 11 बिलियन यूएस डॉलर से। अब बात करते हैं दोनों देशों के पास जो वेपन्स है उनकी। इंडिया के लैंड फोर्सेस के पास
4,300 टैंक से, वहीं पाकिस्तान के लैंड फोर्सेस के पास 2,800 टैंक से, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स इंडिया के पास 6,700 है, वहीं पाकिस्तान के पास 3,100, टोटल आर्टिलरी इंडिया के पास 7,400 है, वहीं पाकिस्तान के पास 3,800, इंडिया के पास 290 सेल्फ प्रोपल्ड गन है, वहीं पाकिस्तान के पास 465 सेल्फ प्रोपल्ड गन है, इंडिया के पास 292 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 134 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री में एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि इनमें से काफ़ी सारा इक्विपमेंट बहुत पुराना है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक जमीनी हथियार है अल खलीद मेन बैटल टैंक, वहीं दूसरी ओर इंडिया के पास है अर्जुन MK2 जो कि एक बहुत ही एडवांस टैंक है। अब बात करते हैं दोनों देशों के एयरफोर्स की, आइए देखते हैं कि आसमान में इन दोनों देशों का कितना जोर है। इंडिया के पास तकरीबन 2300 एयरक्राफ्ट है और इंडिया की एयरफोर्स वर्ल्ड की फोर्थ बिगेस्ट एयरफोर्स है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 1200 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास भी एयरक्राफ्ट काफी हैं, लेकिन इंडिया के पास रशियन मेड प्लेन होने के कारण इंडिया की विमान टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे है। इंडिया के पास 725 हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास तकरीबन 323 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये तो बात थी जमीन और आसमान की, अब चलते हैं पानी की ओर और बात करते हैं दोनों देशों की नेवी की। अब अगर नेवी की बात की जाए तो द रॉयल इंडियन नेवी दुनिया की 7th लार्जेस्ट नेवी है। इंडियन नेवी में लगभग 68,000 पर्सनल्स हैं, वहीं पाकिस्तान नेवी में 26,000 पर्सनल्स हैं। इंडियन नेवी के पास 11 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं पाकिस्तान नेवी के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। इंडियन नेवी के पास 24 कॉर्वेट्स हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं पाकिस्तान नेवी के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास 16 सबमरीन है, वहीं पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है। इंडिया के पास जहां 15 फ्रिगेट्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास केवल 10 हैं। और पेट्रोलिंग के लिए शिप्स और बोट्स इंडिया के पास 139 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 17 ही पेट्रोलिंग शिप और बोट्स हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान एक बहुत ही घातक फील्ड में इंडिया से आगे है, जो है न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान के पास जहां लगभग 140 से 150 न्यूक्लियर वेपन है, वहीं इंडिया के पास लगभग 135 न्यूक्लियर वेपन है। अब इंडिया इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी नो फर्स्ट स्ट्राइक की पॉलिसी फॉलो करता है, पर साथ में इंडिया एक और बात नहीं भूलता है और वो ये है कि हम पहला अटैक तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे पहला अटैक किया तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये तो हुई दोनों देशों की इंडिपेंडेंट वॉर की स्ट्रेंथ, बट हर कंट्री का अपना एलियास कंट्री होता है जो कि उसका साथ देते हैं। पाकिस्तान के साथ जहां चाइना सपोर्ट में खड़ा है, वहीं इंडिया के पास रशिया, जापान, सिंगापुर, यूके, यूएसए जैसे देशों का भी सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये था कुछ बेसिक चीजों पे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन। होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।